हेलो दोस्तों, मैं शिवम कुमार ढिलोर। आज मैं आपको बताऊंगा कि आप इन्हीं दो नंबर को कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं सिर्फ 2 सेकंड के अंदर। ठीक है, आप किसी भी दो नंबर को मल्टीप्लाई कर सकते हैं सिर्फ 2 सेकंड के अंदर इस ट्रिक के द्वारा, जो ट्रिक मैं आज आपको बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। मान लीजिए हमारे पास एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक नंबर है 53 × 57। ये दो दो डिजिट के दो नंबर हैं जिन्हें हमें मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, तो इसे करने के लिए हम क्या करेंगे, पहले जो सबसे अगले डिजिट है इस नंबर की, पहले नंबर की जो फर्स्ट डिजिट है उसे एक बढ़ा देंगे, तो 5 × 6 कर देंगे। ठीक है, तो इसको मल्टीप्लाई कर देगा आपस में इन दोनों को, तो ये होगा 5 × 6 = 30। उसके बाद सेकेंड डिजिट को दूसरे नंबर की सेकेंड डिजिट से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो ये जगह 7 × 21। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। ऐसे एक और एग्जांपल देख लेते हम। मान लीजिए 7 × 8 × 7 = 2। तो इसमें क्या होगा, वही सेम ट्रिक के अंदर लगाएंगे हम, इस 7 को एक नंबर बढ़ा देंगे इसका, तो ये 8 हो जाएगा। तो जब इन दोनों की गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 × 8 = 56। ठीक है, फिर इसकी मल्टीप्लाई इससे कर देंगे, तो ये 8 × 2 = 16, तो ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, ये एक सिंपल सी ट्रिक है। एक एग्जांपल और देख लेते हैं इसके लिए, 4 × 5 × 4 = 5। तो क्या करेंगे, इस पहले डिजिट का एक नंबर बढ़ा देंगे, तो ये 5 हो जाएगा, 4 × 5 हो गया। इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे तो 4 × 5 = 20। फिर ये दोनों नंबर्स की जो सेकंड डिजिट है, ये इन दोनों की जो सेकंड डिजिट है उनके आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये जगह 5 × 25। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो गया। तो आप देख सकते हैं कितनी सिंपल सी ट्रिक है। एक चीज अपना और लगा लेते हैं हम, तो 5 × 6 × 5 = 4। तो क्या करेंगे, हम इसको 6 कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये जगह 5 × 6 = 30। फिर इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 6 × 6 = 24। तो ये देखिए इसका आंसर हो गया। लेकिन इस ट्रिक की भी कुछ लिमिटेशंस हैं, जैसे हर ट्रिक की होती है इसकी भी है। ये ट्रिक कुछ जगह काम नहीं करेगी, या फिर इस ट्रिक के भी कुछ रूल्स हैं, कुछ प्रोटोकॉल है जो हमें फॉलो करने पड़ते हैं। तो वो क्या है, वो मैं आपको बता देता हूँ। एक तो इसके अंदर एक एग्जाम्पल इसका ले लेते हैं। मान लीजिए 6 × 6 = 8। ठीक है, तो इसमें पहला जो नंबर है वो सेम होना चाहिए, फर्स्ट नंबर शुड बी सेम। ठीक है, और जो दोनों नंबर्स के सेकंड डिजिट है, यानी जो दो एंड वाले जो नंबर है, उन दोनों का सम, उन दोनों का प्लस करने के बाद 10 होना चाहिए। ठीक है, तो आप हर एग्जांपल में देख सकते हैं कि यहाँ पे पहले जो डिजिट है, पहला जो नंबर है वो सेम है। ठीक है, दोनों में जो मैंने यहाँ पे बताया, ये दोनों सेम होने चाहिए। उसके बाद के दोनों डिजिट का आपस में जो दो नंबर है, दोनों की सेकंड डिजिट का जो प्लस है वो 10 होना चाहिए। यहाँ पे देखिए, अब 10 होगा, 7 × 3 = 10, 8 × 2 = 10, 5 × 5 = 10, 6 × 4 = 10, ऐसे 8 × 2 = 10। तो ठीक है, ये कुछ हमारे रूल्स हैं जो हमें फॉलो करने पड़ेंगे हर नंबर के अंदर। जब ये दोनों फॉलो होएंगे, उसके बाद ही वाली ट्रिक, जो ये मेथड है, ये काम करेगा। ठीक है, तो इसका आंसर ऐसे कर लेते हैं हम। तो अगर हम इन दोनों का प्लस करते हैं, सॉरी, इसमें एक नंबर बढ़ा देंगे, तो ये 7 हो जाएगा, तो 7 × 6 = 42 हो गया। ठीक है, उसके बाद इन दोनों के आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हो जाएगा 8 × 2 = 16। ये इसका आंसर हो गया। तो हमें इस चीज़ का ध्यान रखना है कि ये शुरू के डिजिट सेम हो और बाद के डिजिट का योग जो है, सम जो है, वो 10 होना चाहिए। तो अगर आपको कभी भी एग्जाम में ऐसी मल्टीप्लीकेशन आए, तो आप सिंपली ये देख के कि ये क्या इस ट्रिक से हो सकता है, तुरंत देख के आप इसे 2 सेकंड में सोल्व कर सकते हैं। 2 सेकंड में कैसे सोल्व होगा, एक तो एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, 27 × 2 = 3। फर्स्ट सेकेंड में तो आप जो होगा आपका पहला सेकेंड जो होगा उसमें आपको इसके नंबर बढ़ाना है और इसकी मल्टीप्लाई कर देनी है,
तो ये हो जाएगा 2 3 6। उसके बाद जो सेकंड सेकंड नंबर की मल्टीप्लाई कर दोगे अगले सेकंड में तो हो जाएगा 21। तो ये 2 सेकंड में आपकी मल्टीप्लाई हो जाएगी। ठीक है, ये मल्टीप्लीकेशन करने का सबसे ईजी तरीका है अगर आपके पास ये दोनों रूल फॉलो होते हैं तो, जो मैंने आपको यहाँ बताया। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो और आपको समझ में आ गया हो और आपके काम की हुई ट्रिक, तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, है ना, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि मैं अपने आने वाले वीडियो में आपको बताऊंगा कि कैसे आप इस रूल को फॉलो करें बिना भी, जिस नंबर्स में ये रूल फॉलो नहीं होता उन्हें आप कैसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं ईजिली सिर्फ 2 सेकेंड के अंदर। यानी अगर आपके शुरू के डिजिट सेम नहीं है और बाद वालों का सम भी 10 नहीं है, ऐसे नंबर आपके पास होते हैं तो उनका भी आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं सिर्फ 2 सेकंड के अंदर। वो मैं आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। उसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। उसके लिए आप इसका बेल आइकन जो है मेरे चैनल का उसे भी प्रेस कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद आपको मेरी वीडियो लेटेस्ट जो वीडियो होगी उसका अपडेट आपको मिल जाएगा मेरे चैनल सब्सक्राइब करने के बाद। तो उसे करना ना भूलें और मेरे आने वाले वीडियो देखना ना भूलें। ओके, थैंक यू गाइस।